जवानी में थोड़ा थोड़ा वजन की और उससे ज्यादा बुढ़ापा मार लिया, इसका क्या कारण है? ये तो हम सबके लिए सीख है कि जो जीवन है दिन ब दिन घटता जा रहा है। हम लोग बोलते हैं ना, बर्थडे मनाते हैं ना, तो एज पूछी जाती है, हाउ ओल्ड आर यू? तो बड़े खुशी हो गए, बोलते 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए। मैं, अरे 35 साल के नहीं हो गए, अब 35 साल बूढ़े हो गए हैं। विद ईच एंड एवरी बर्थडे यू आर गेटिंग ओल्ड एंड ओल्डर। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये जो समय है, इसको हम व्यर्थ ना गंवाएं। चाणक्य पंडित बोलते हैं, आयुष्य क्षण एकोपि स्वर्ण कोटि बिना लभ्यते, कि आप हजारों सोने की मुद्राएं ले आए मगर उसके बाद भी जो बीता हुआ क्षण है उसको आप खरीद नहीं सकते। ये तो टक 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 करके जा रहा है। 23 जनवरी संडे 9:31 12 सेकंड चला गया। अब आप ले आइए ना, करोड़ों रुपए ले आइए, वो समय ला नहीं सकते आप, वो चला गया। तो सूर्य के उदय होने से और सूर्य के अस्त होने से हमारा मृत्यु के जो जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं मृत्यु की ओर। तो बेहतर है कि जब युवावस्था में है उसी में ही हम भक्ति को शुरुआत करें। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, कौमारात आचरेत प्राज्ञा, कि भक्ति कब शुरू कर देनी चाहिए? 5 साल के हो जब, तब से। बट हमारे यहाँ तो 5 साल के कितने मल्टीपल निकल गए, 5 गया 10 गया 15 गया 20 गया, अभी तक भी इच्छा नहीं होती। तो ये अनुभव, ये साक्षात्कार हमें होना चाहिए। तो ये नहीं कि हम बूढ़े होके ही भक्ति करेंगे, हमें दूसरों से सीखना चाहिए, दूसरों के अनुभव से देखना चाहिए कि हमारा भी समय आ रहा है, हमारे भी अंग गलते जा रहे हैं, हमारे हम भी बूढ़े हो चले हैं, हमारे भी जो बाल है सफेद होते जा रहे हैं। तो अब शुरुआत करें, अभी और सिंसियर हो जाएं भक्ति में। कई बार हम वेट करते रहते हैं, जब बूढ़े होंगे तब भक्ति करेंगे। एक्चुअली बूढ़ा है कौन? हु इज कॉल्ड एन ओल्ड पर्सन? किसको बोलते हैं बूढ़ा? एनीवन प्लीज, बूढ़ा व्यक्ति कौन है? बॉडी जब डीजनरेट होती है वो बूढ़ा है। मगर आप तो बड़े सारे ऐसे ऐसे बच्चों को देखते हैं जिनकी बॉडी बड़ी जल्दी जनरेट हो जाती है 15 साल में। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट तो बड़े सारे केसेस आपने देखे ऐसे ही, कि जब 65 साल का, 70 साल का, 75 साल का व्यक्ति होता है वही बूढ़ा होता है। केस ए, एक 15 साल का बच्चा है, टर्मिनल कैंसर है उसको। केस बी, 65 ईयर्स का पर्सन है, हर रोज मॉर्निंग वॉक पे जाता है, मस्त घूमता फिरता है, बातें करता है, गाने गाता है। दोनों में से कौन सा बूढ़ा व्यक्ति है? ऑप्शन वन, ऑप्शन टू। वाई ऑप्शन वन? बॉडी तो उसकी डीजनरेट हो चुकी है 65 साल वाले की। तो क्या है बूढ़े व्यक्ति की परिभाषा क्या है? जो मृत्यु के निकट है वो व्यक्ति बूढ़ा है। मगर अल्टीमेटली देखिए, मृत्यु किसकी निकट है किसकी नहीं है? परीक्षित महाराज को पता था 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है। हमें पता है कि हमारे पास 7 दिन है, 7 घंटा 7 मिनट 7 सेकंड। एयरपोर्ट के बहुत पास है, कभी भी आएगा प्लेन। खैर आप वैकुंठ में है, मंदिर में है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहाँ पे शरीर भी छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से वहां के धाम जाएंगे। बट एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। कौन व्यक्ति बूढ़ा है? एवरीबॉडी इज इक्वली ओल्ड। हम सब उतने ही बूढ़े हैं, बराबर बूढ़े हैं, क्योंकि मृत्यु बिल्कुल निकट बैठी है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ धरे माया झपटे धरे। जैसे कृष्ण को भूलेंगे माया बैठी है आपके ऊपर झपट्टा मारने के लिए। तो हमें क्या करना है, चाहे हम यंग हैं चाहे हम बूढ़े हैं, कृष्ण का स्मरण बना के रखना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है अभी बहुत समय निकल गया, मगर अभी जो स्मृति आई है, जो ज्ञान आया है, उसको उसका हमें मेरे को पूर्ण लाभ उठाना है। हर एक क्षण को मेरे को यूटिलाइज करना है कृष्ण भक्ति में, कृष्ण सेवा में, कृष्ण कथा में, कृष्ण नाम में। तो इस प्रकार हम जो हमारा हमने समय खोया है उसको हम मेकअप कर सकते हैं। रसे गाले जा, ओ डोले डोले गोरा चांद हरि गुण गा, डोले डोले गोरा चांद हरि गुण गा, डोले डोले गोरा चांद हरि गुण गा।